हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनेंस टेस्टनेट पे एपीआई कैसे ऐड करते हैं और हमने क्या अपडेट करा है। तो अगर आप मैं आपको पहले एक व्यू दिखा देता हूँ। मैं सेंटेक्स पेज ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। तो आप देखोगे पहले से हम बाइनेंस एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर आपके चार ब्रोकर चलते हैं, बाइनेंस स्पॉट, बाइनेंस मार्जिन, बाइनेंस फ्यूचर, बाइनेंस कॉइन। तो हमने इसमें एक अपग्रेड करा है जिसके अंदर हमने बाइनेंस V2 बनाया है। अभी इसके अंदर एक एक्सचेंज ऐड करा, बाइनेंस फ्यूचर। बट इसके अंदर आप बाइनेंस टेस्टनेट पे भी काम कर सकते हो और बाइनेंस फ्यूचर पे भी काम कर सकते हो, मतलब रियल पे, बाइनेंस टेस्टनेट के फ्यूचर पे और बाइनेंस रियल पे दोनों पे काम कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर कुछ जो पहले फ्यूचर के अंदर चीज़ें नहीं थी, जैसे हैज मोड के अंदर आपको TPSL नहीं मिलता था, एंड सेकेंड थिंग आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं मिलता था, स्टॉप लिमिट ऑर्डर नहीं मिलता था, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है। और मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। और अभी इसके सेंटेक्स कंप्लीट नहीं हुए, तो सेंटेक्स जैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको इसकी हर सेंटेक्स की वीडियो 2-2 मिनट की बना दूंगा कि हर ऑर्डर का कैसे काम है और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी ये API के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपको अपने बाइनेंस टेस्टनेट पे जाना है, अकाउंट बना लेना। URL आप देख सकते हो बाइनेंस टेस्टनेट का कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद API की पे क्लिक करना है, तो आपको API की और API सीक्रेट की मिल जाएगी। इन दोनों का आप कॉपी कर लेना या सेव करना चाहते हो सेव कर लेना। मैं भी इसे हाइड कर देता हूँ। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे कुछ इस तरीके से। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ जाने के बाद आपको API क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप API क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे एड API पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक बाइनेंस मिलेगा, एक बाइनेंस V2 मिलेगा। आपको बाइनेंस V2 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना कस्टम नेम देना है API का, कोई भी नाम दे सकते हो, डेमो दे दो या जो आप देना चाहते हो। उसके बाद आपको API की ऐड करनी है जो कि आपको यहाँ से मिली थी, मैंने बताया था। और उसके बाद आपको यहाँ पर API सीक्रेट की ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ें आपको बाइनेंस टेस्टनेट पे मिल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक BN फ्यूचर दे रखा है, एक टेस्टनेट फ्यूचर दे रखा है। तो अगर आप रियल बाइनेंस पे काम करना चाहते हो, तो आपको फ्यूचर में काम करना चाहते हो रियल, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर टेस्टनेट पे करना चाहते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने टेस्टनेट का अकाउंट इससे कनेक्ट कर सकता है। फिर आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको बैक बटन पे क्लिक करना है और बाइनेंस V2 पे आना है। तो आपके पास इस तरीके की API आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। ये बाइनेंस V2 की API आ गई, आपको ये ऑफ आएगी, आपको इसे ऑन कर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर आप 8-10 API ऐड कर दोगे तो जो ऑर्डर आप डालोगे सेम ऑर्डर उनका भी चले जाएगा। क्वान्टिटी मैनेज करने के लिए आप मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हो, पर अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता। पर तो आपको इतना बता दूं, आपको ऑन करनी है। जैसे ही ऑन कर लेते हो उसके बाद आप जो ऑर्डर डालोगे वो ऑर्डर चले जाएगा। अभी के लिए मैं एक ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर अभी एक चीज़ रह रही है, जो जो सेंटेक्स है वो कंप्लीट नहीं हुए, आजकल में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। तो सेंटेक्स का फॉर्मेट तो हमने ऐड कर दिया है, बस सेंटेक्स का जो जनरेट करते हैं वो सेंटेक्स जनरेट करना ऐड होना रह गए। तो मैं एक ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये खोल लेते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू पे आप अपना कोई भी इंडिकेटर लगा लेना। मैं अभी हॉरिजेंटल लाइन ले रहा हूँ। हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद मैं पहले रिमूव कर देता हूँ और जो भी हॉरिजेंटल लाइन थी, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ और ऐड अलर्ट करता हूँ। ऐड अलर्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना वेबबुक डालना है। वेबबुक कहाँ पर मिलेगा आपको, डैशबोर्ड पर जाओगे आप तो। डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस वेबबुक मिलेगा। आपको इसे कॉपी कर लेना, क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसके बाद आप अपना ऑर्डर का नाम डालोगे। मैं ऑर्डर का नाम डाल देता हूँ, टेस्ट ऑर्डर, देखने के लिए टेस्ट ऑर्डर। और यहाँ पर मैं सेंटेक्स डालूंगा, तो मैंने पहले से सेंटेक्स बना रखे हैं, मैं आपके सामने कॉपी करके ले आता हूँ। ये मार्केट ऑर्डर मैंने बना रखा है पहले से, तो ये मैंने लेके आ गया। अभी जनरेट नहीं हो रही इसलिए मैंने पहले से बना रखे हैं। जब जनरेट होना शुरू हो जाएंगे मैं हर सेंटेक्स की वीडियो बना दूंगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में अलर्ट आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं इसे बाहर निकालता हूँ, इसे लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ और इस विंडो को मैं राइट साइड में कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में इस विंडो को कर लेता हूँ, बाइनेंस फ्यूचर को जो टेस्टनेट है, और राइट साइड में मैंने ट्रेडिंग व्यू को कर लिया। अब जैसे ये कैंडल इस लाइन से टच होगी यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। अगर आप देख सकते हो तो पोजीशन में अभी 0 पोजीशन है, तो मैं लाइन को कैंडल से फ्रंट पे रख देता हूँ जिससे जानबूझ के टच हो जाए, ट्रिगर हो जाए मेरा ऑर्डर। अलर्ट लॉग यहाँ बनेगा, जैसे अलर्ट लॉग बना, यहाँ देखो पोजीशन 1 हो गई। तो आप देख सकते हो पोजीशन 1 हो गई। अगर मैं इसे फुल विंडो में करता हूँ
तो आपको दिख जाएगा कि मेरा ये ऑर्डर लग, ठीक है। अभी मैं जैसे मैंने बताया एक छोटी सी डेमो वीडियो थी टेस्टनेट की ईपीए कैसे ऐड करें, और साथ ही इसके अंदर मैंने एक ऑर्डर डाल के दिखा दिया। जैसे ही सेंटेक्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं पर्टिकुलर सेंटेक्स की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।